हेलो फ्रेंड्स, दिया और मम्मा की रसोई में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे बीकानेर की मशहूर गोंद पाक रेसिपी। इसको बनाना बहुत आसान है और एक बार इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। और इस रक्षाबंधन पर मार्केट से मिठाई खरीदने की जगह घर पर ही मिठाई बनाएंगे, तो इस रेसिपी को एक बार आप जरूर ट्राई करें इस रक्षाबंधन पर, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ मैं ले रही हूँ 1 कटोरी सूजी, 1 कटोरी गोंद, 1 कटोरी काजू, 1 कटोरी बादाम, 1 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट और 1 कटोरी बेसन। यहाँ मैंने छोटी कटोरी का यूज किया है। तो सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे और इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच शुद्ध घी और इसे गरम करेंगे। जैसे ही हमारा गरम हो जाता है घी और वो मेल्ट हो जाता है, हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी सूजी और इसे बिल्कुल धीमी आंच पर करीब 3 से 4 मिनट भूनेंगे। जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है और इसमें से एक अच्छी खुशबू आने लगती है, हम इसमें ऐड कर देंगे बेसन और इसे भी बिल्कुल स्लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए करीब 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे। ऐसा करने पर हमारे मिक्सचर में से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी। तो बस इतना ही हमें भूनना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी गोंद और इसे लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे। जैसे ही आप इसमें गोंद ऐड करेंगे ये फूलने लगेगी और आप देखेंगे कि ये एकदम फूल जाएगी। तो बस हमें इतना ही इसे रोस्ट करना है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने कटे हुए काजू और बादाम को और उन्हें भी अच्छे से रोस्ट करेंगे। तो यहाँ मैं सबसे पहले काजू डाल दूंगी और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी अपने बादाम को भी और इन्हें भी अच्छे से भूनेंगे। गरम होने की वजह से ये फटाफट भून जाएंगे। और आपने ध्यान रखना, इस स्टेज में अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद ही हम इसमें ऐड करेंगे अपना डेसिकेटेड कोकोनट। आपने इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपने लगातार इसे चलाते रहना है, क्योंकि अगर आपने जरा भी इसे छोड़ा तो ये नीचे कढ़ाई में लग जाएगा और इसका स्वाद खराब हो जाएगा। तो आपने इसको लगातार चलाते हुए बनाना है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और बनाएंगे चाशनी। तो इसके लिए मैंने 1/4 कप पानी लिया है और उतनी ही मात्रा में हम इसमें ऐड कर देंगे शुगर। तो आप ध्यान रखिएगा, आपने बराबर क्वांटिटी में दोनों चीज़ें लेना है और इसे अच्छे से खौलाएंगे। जैसे ही इसमें एक उबाल आने लगेगा हम इसमें ऐड कर देंगे अपने केसर के कुछ धागे और इसे मीडियम फ्लेम पर बॉयल करेंगे। और जैसे ही हमारे इसमें अच्छे से उबाल आ जाता है हम इसमें ऐड कर देंगे इलायची पाउडर और इसे भी अच्छे से एक बार खौला लेंगे। और ये देखिए, आप हमें बस हल्का सा तार आए इतनी ही चाशनी बनाना है। ज़्यादा एक तार या 2 तार की चाशनी बिल्कुल नहीं बनानी। आप देख सकते हैं यहाँ हमारी चाशनी बन चुकी है। तो बस अब हम इसको लगातार चलाते हुए 1 मिनट और पकाएंगे और बस हम इसे अपने जो हमने गोंद ये देखिए आप इसे हम अपनी गोंद जो हमने अपनी बनाकर तैयार किया था उसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। इस स्टेज में हमने गैस की फ्लेम स्लो रखनी है और बस इसको लगातार चलाते हुए लगभग 1 से 2 मिनट और हम कुक करेंगे और हमारा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी गोंद पाक बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया है। इस रक्षाबंधन पर आपको ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपकी ये रेसिपी किस कैसी बनी है ये मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हम एक बाउल लेंगे और इसमें लगाएंगे हम बटर पेपर। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप कोई बात नहीं, आप स्टील की एक प्लेट में से निकाल लें और आप अपने मनपसंद शेप में इसे जमा लें। मैं यहाँ पे इसको स्क्वायर शेप में जमा रही हूँ। तो बस हमने बटर पेपर के ऊपर इसको अच्छे से सेट करना है और आप देखेंगे जैसे ही ये ठंडा होगा ये बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। और ये देखिए, हमारी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी गोंद पाक बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया है। इसे अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और आप देख सकते हैं ये देखने में कितना यमी दिख रहा है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। तो इस रक्षाबंधन पर एक बार इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें और घर पर एकदम शुद्ध मिठाई बनाकर तैयार करें। ये बनाना बहुत आसान है, आप एक बार में ही इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और कमेंट कर मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।